السلام عليكم شيخين. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. ورحمة الله. जी शेख, मेरा जी मेरे सवाल ग्रेजुएशन सेरेमनी को लेकर था. जी शेख, उसमें एक जब स्टूडेंट्स अपना डिग्री खत्म करते हैं ना शेख, तो उनको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है शेख कॉलेज में. तो जी. जब उनको डिग्री बांटी जाती है वो दिन, उनको एक काला ऐसा कपड़ा ऐसा कोट की तरह पहनना पड़ता है शेख, जो तोप की तरह होता है, वो घुटनों तक आता है वो कपड़ा, और सिर पर एक कैप पहनना पड़ता है शेख. तो इसको वो दिन पहनना जायज है क्या शेख? जज़ाकअल्लाह शेख. जी यूनुस भाई, सवाल वाज़ सवाल यूनुस भाई का ये है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जब तलबा फारिग होते हैं, पढ़ के पढ़ाई खत्म होती है, तो उनको सनदें दी जाती हैं, शहादात दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट. तो वो फंक्शन बाकायदा अरेंज किया जाता है, उस फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी उनके सर्टिफिकेट्स. तो उस वक्त जो है एक खास किस्म का उनको ड्रेस दिया जाता है या उनको पहनने के लिए कहा जाता है. अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग किस्म का होता है या अलग अलग मुल्कों में भी अलग अलग किस्म का हो सकता है. तो क्या उस ड्रेस को पहनना जायज है? देखिए, इन चीजों का ताल्लुक आदात से है. वो कोई इबादत नहीं है कि उसमें आपको ये तलाश करने की जरूरत है कि ये जायज है कि नहीं. उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें अदमे जवाज की कोई वजह तो नहीं है, वरना इन चीजों का ताल्लुक आदात से है. देखिए, वो ड्रेस कोड है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है. अब उस यूनिफॉर्म के अंदर अगर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई शरई कबाहत है, जैसे कि उसके अंदर मुशाबहत हो कुफार की, फुसाक और फुजार की, या ऐसा कोई लिबास जिससे शरीयत ने मना किया है, अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो वो महज एक ड्रेस है, वो एक यूनिफॉर्म है उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का, उसको पहनने में कोई मुजायका नहीं है. और जहां तक मुझे इल्म है, उसका ताल्लुक किसी दीन धर्म या किसी मजहब से, किसी अकीदे से नहीं होता है. वो एक ड्रेस होता है जो एक यूनिफॉर्म की हैसियत है उसकी, उससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है.